वेलकम एवरीवन। गामा फंक्शंस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ उसके बेसिक डेफिनेशंस और उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गामा 1/2 की वैल्यू। ये वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका जो इस वैल्यू का मान क्या होता है वो भी, और इसका जो प्रूफ है वो भी। इफेक्टिव पढ़ने वालों के लिए इसका प्रूफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो गामा फंक्शंस के आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ये गामा 1/2 की वैल्यू यूज़ नहीं होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, और इसका प्रूफ भी बहुत बार पूछा जाता है कि गामा 1/2 वैल्यू का जो प्रूफ है इसका, वो उसका विद प्रूफ इसको लिखवा सकते हैं कि वैल्यू भी निकालनी है और उसका प्रूफ भी लिखना है। ठीक है, तो अभी जो हमने इससे पहले कुछ पढ़े हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी जो डेफिनेशंस में कुछ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो अगर वो आपने नहीं पढ़ी है तो पहले उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जब भी कोई पढ़ेंगे तो उसमें पिछला भी कुछ यूज़ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम गामा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो गामा 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ जो बेसिक इसमें चीज़ें यूज़ होंगी, पहले उन बेसिक्स पे बात करते हैं। देखो कि जो गामा है, गामा फंक्शन जो हमने पढ़ा है वो बेसिकली एक इंटीग्रल है, जिसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को नाम दिया हुआ है गामा फंक्शन का। ठीक है, तो अब वो इंटीग्रल की आपको कितनी प्रॉपर्टीज़ याद हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ टू डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, कि कोई भी दो जो इंटीग्रल होते हैं, समाकलन होते हैं, उनके गुणन में एक प्रॉपर्टी लगती है, कि जो निश्चित समाकलन होते हैं उसके गुणन में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उस प्रॉपर्टी को हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम ये जो गामा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे उसमें यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो शायद आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, जब भी आपने इंटीग्रल पढ़ा है उसमें एक प्रॉपर्टी है कि कोई इंटीग्रल जिसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू है a to b और फंक्शन है f(x)dx, और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम दूसरे इंटीग्रल से जिसकी लिमिट है c से d और फंक्शन है gy से dy। मीन्स कोई भी दो इंटीग्रल हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल, इनकी जो लिमिट्स हैं वो भी अलग अलग हैं और फंक्शंस भी अलग अलग है, वेरिएबल भी अलग अलग है, मीन्स कुछ भी सेम नहीं है। तो अगर कोई भी दो समाकलनों का हमको गुणा करना होता है तो वो गुणा हम किस तरह से करते हैं और क्या उसमें नियम अप्लाई होगा। तो अगर इस टाइप के कभी भी कोई दो इंटीग्रल हैं और उसका हमको गुणन निकालना है, समाकलन का गुणन निकालना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी ये जो लिमिट्स हैं वो हम दोनों जो ये जो सिंगल सिंगल इंटीग्रल है वो डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, और जो क्रम हमने रखा है वही क्रम यहाँ पे भी रखेंगे, कि जैसे पहले और दूसरे को गुणा किया तो पहला समाकलन, दूसरा समाकलन, और फंक्शंस का भी हम ये f(x) और g(y) ये दोनों फंक्शंस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और समाकलन का क्रम भी जिस क्रम में हमने इसके लिमिट्स को रखा है उसी क्रम में हम इसके समाकलन को रखेंगे। तो अगर कोई दो समाकलन, ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टी है एक, कि अगर कोई भी जो निश्चित समाकलन है उसके गुणन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख ले, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे गामा 1/2 की वैल्यू निकालने में। ठीक, तो एक तो बात हो गई इसकी, उसके अलावा हमने पिछले वीडियो में इसके ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे। अब गामा 1/2 की वैल्यू हम डायरेक्ट जो इसकी डेफिनेशन है वहाँ से नहीं निकालेंगे, कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो गामा फंक्शन होता है कि गामा n = (0 to ∞ x^n-1e^(-x)dx, तो उसका यूज़ करके हम गामा 1/2 की वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम वैल्यू निकालेंगे, पहली बात तो देखो कि हमको शो करना है, ये इस तरह से भी इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है कि या तो हमसे पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ गामा 1/2, एंड या हमसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, या टू शो दैट गामा 1/2 = √π। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि
ये तो है इसकी वैल्यू। अब जिसको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसको तो सिर्फ हम ये वैल्यू का जो मान है वो याद होना चाहिए कि ये मान होता है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक, कि प्रूफ किस तरह से करना है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे इसके, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे इसका, कि गामा वहाँ से हम लिख सकते हैं कि गामा वन बाई टू क्या होता है। देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने पढ़े थे इसके, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थे जिसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने जिसमें हमने x की पावर n को रिप्लेस किया था y से। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आया था गामा n प्लस वन बराबर होता है 0 to infinity e raised to power माइनस y की पावर 1/n dy। इसमें एक स्पेशल केस हमने यहीं पे लिखा था जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे कि अगर हम n की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो ये गामा 3/2 बन जाता है, कि ये गामा 3/2 बनेगा। 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2, और ये इसको हम अगर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो गामा 1/2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम गामा 1/2 की वैल्यू निकालने में। तो देखो, यहाँ से लिख सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके कि गामा 1/2 इक्वल टू, तो गामा 1/2 हम लिख सकते हैं 2 × 0 to infinity e raised to power -y² dy। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और हम गामा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो ये एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास कि गामा 1/2 की वैल्यू को हम इंटीग्रल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फाइनाइट इंटीग्रल का एक और प्रॉपर्टी होती है, फ्रॉम फाइनाइट इंटीग्रल रिज़ल्ट। फाइनाइट इंटीग्रल का एक रिज़ल्ट ये भी है कि हम कोई भी इंटीग्रल लिखा हुआ है और वो किसी वेरिएबल में है उसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, 0 to infinity e raised to power -x² dx। तो इसमें और इसमें कोई चेंज है क्या? ये भी एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म है कि ये वैल्यू है, ये गामा 1/2 के बराबर है, तो इसी वैल्यू को अगर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे तो भी ये वैल्यू वही रहेगी। तो एक इसका हमने एक रिज़ल्ट हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ये है, ठीक है। अब ये दो इंटीग्रल आ गए हमारे पास, एक एक फर्स्ट और एक सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी हमने किया था समाकलन का गुणन, वो जो हमने एक प्रॉपर्टी अभी लिखी थी उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का गुणा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का गुणा राइट हैंड साइड से होगा। तो अब इस गुणन में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो अभी हमने देखी थी निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी, कौन सी? ये वाली। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम इसका गुणन करेंगे, ठीक है। तो ये गामा 1/2 को जब गामा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 2 × 4 हो जाएगा, और ये लिमिट्स होंगी 0 to infinity e raised to power -x². ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, देखो, तो e^-x² और e^-y², ये दोनों गुणा होंगे, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। जब भी आधार एक जैसा और घात अलग अलग होती है तो घात जुड़ जाती है, तो ये जुड़ जाएंगी। यहाँ पे ये हो जाएगा x² + y² माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये जो इंटीग्रल का क्रम है वो भी ऐसे कैसे रह जाएगा। लिमिट्स क्योंकि सेम है, यहाँ पे लिमिट्स सेम है, तो हम क्रम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों को इंटीग्रल करके और इसका गुणन करके लिख दिया है, तो एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, इसको हम चेंज करेंगे किस में? पोलर फॉर्म में। कि यहाँ पे जो इंटीग्रल का एरिया है, वो इंटीग्रल का रीज़न है, वो एक्स और वाई दोनों का ही 0 to infinity 0 to infinity है। तो जो समाकलन का क्षेत्र होगा वो जो प्रथम चतुर्थांश होगा वो होगा। तो हम लिख सकते हैं, हेयर द
इंटीग्रल रीजन इज 0 to ∞ फॉर बोथ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई दोनों की ही लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके अनंत तक है. सो दैट इंटीग्रल रीजन इज कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट. कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो इसका इंटीग्रल का रीजन होगा, कि जो समाकलन का जो क्षेत्र होगा वो प्रथम चतुर्थांश होगा पूरा का पूरा, क्योंकि जो लिमिट क्या है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है. कि जैसे हम लिमिट्स लगाते हैं कि किसी भी फंक्शन पे, कि जैसे ये पोलर फॉर्म में हमको चेंज करना है इसको, है ना, कि नाउ टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे. देखो ना कि जो ई की पावर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि मीन जब भी कोई कर्व बनता है यहाँ पे, जब पोलर में हम बनाते हैं, कि जैसे मान लिया ये इस तरह का कोई कर्व बन गया, तो कर्व में जो लिमिट्स का तरीका होता है वो होता है ये वाला, कि यहाँ पे तो R की लिमिट्स तो चलती हैं इसके अकॉर्डिंग, कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी. तो ये 0 से लेके अनंत तक, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके, और X और Y दोनों की ही जो लिमिट्स हैं वो अनंत तक जा रही हैं, तो R की भी जो लिमिट होगी वो 0 to ∞ लगेगी. और अब ये वाला क्वाड्रेंट है इसका जो इंट्रीकल रीजन है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू देखते हैं हम, कि थीटा यहाँ से शुरू होगा 0 से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मींस पाई बाई, ये जो लाइन है ये पाई बाई 2 वाली है, तो थीटा की जो लिमिट है वो हो जाएंगी पाई बाई 2. और पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का तरीका आपको पता होगा, कि जब भी पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इसको तो इस तरह से, एंड डी एक्स डी वाई को हम लिखते हैं आर डी थीटा डी आर. ये इंटीग्रल में चेंज करने का तरीका है, कि यहाँ पे जो ये समाकलन है, जो हमने ये रिज़ल्ट लिखा है, इसको हम पोलर में चेंज करेंगे, और पोलर में चेंज करने का ये तरीका होता है, लिमिट्स हम इसको देख के अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स और वाई दोनों की लिमिट 0 to ∞ है, इसलिए आर की जो लिमिट्स होंगी वो तो होंगी 0 to ∞, एंड जो थीटा की लिमिट होगी वो होगी 0 to π/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका इंट्रीकल रीजन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 होती है लिमिट, इसलिए थीटा की लिमिट होगी 0 से π/2. अब देखो लिखने का तरीका भी इसका, ये गामा 1/2 का गामा 1/2 ही रहेगा, ये होल स्क्वायर हो गया, ये 4 का 4, और लिमिट्स हम इन पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर, और एक्स डी एक्स डी वाई को हम लिखते हैं आर डी थीटा डी आर. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं. और यहाँ पे आर की लिमिट, पहले आर सॉल्व होगा बाद में थीटा सॉल्व होगा, तो पहले आर की लिमिट यहाँ पे, आर वाली लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, और थीटा वाली क्योंकि बाद में सॉल्व होगी तो थीटा वाली लिमिट इस पहले वाले इंटीग्रल के साइन पे लिखेंगे. तो थीटा की लिमिट तो होगी 0 से π/2, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल बाद में सॉल्व होगा, थीटा बाद में सॉल्व होगा, यहाँ पे ये आर पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आर की लिमिट लिखेंगे हम 0 से लेके इन्फिनिटी. ठीक है, अब देखो ये इंट्रीकल एक सिंपल सा इंट्रीकल बन गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंट्रीकल करेंगे इसका. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 × 0 से π/2. अब हमको सिर्फ आर के पर्पज़ में ये सॉल्व करना है. इसको देखो हम थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे. तो यहाँ पे ये 4 होगा 0 से π/2, ये लिमिट तो ऐसे कैसे. अब इस लिमिट में हम इतना सॉल्व करेंगे 0 से ∞ e^ - r² और r dr.
ये सॉल्व होने के बाद में हम डी थीटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हमको इसको सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल को अलग से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व होने के बाद में। तो देखो, आर स्क्वायर को हम मान सकते हैं टी, जब आर स्क्वायर को टी मानेंगे तो टू आर डी आर बराबर हो जाएगा डी टी के। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जब आर जीरो तो टी भी जीरो, और जब आर इन्फिनिटी तो टी भी इन्फिनिटी, तो लिमिट्स तो वही रहेंगी। ये आर डी आर ये हो जाएगा डी टी बाई टू, तो वन बाई टू को लिख देंगे बाहर। e की पावर माइनस आर स्क्वायर, तो e की पावर माइनस का टी हो जाएगा। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा वन बाई टू, और ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रल जानते हैं कि क्या होता है, ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, तो माइनस वन को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाहर, तो माइनस वन को बाहर लिख देंगे, तो ये इंटीग्रल आया और ये आ गया जीरो टू इन्फिनिटी। अब चाहो तो इस पे यहाँ पे टी रख सकते हो, चाहो तो वापस से आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, तो लिमिट भी वही रहेगी। तो इसको हमको इस तरह से सॉल्व करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, ये टी की वैल्यू आर स्क्वायर है, और अपॉन में यहाँ पे ये माइनस तो ये रहा और वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू भी हम यही लिख सकते हैं, और इस पे लिमिट अब अप्लाई कर देंगे क्या, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये वही है। कांस्टेंट हमने अंदर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं कांस्टेंट को, और अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे देखो, और ये डी थीटा, ये डी थीटा बाद में अप्लाई हो जाएगा, तो ये टू को बाहर निकाल सकते हैं, ये माइनस फोर अपॉन टू, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये तो लिमिट जीरो से पाई बाई टू ही रहेगी, और इस पे ई की पावर ये बनेगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस को बाहर ले लिया है हमने, तो ये बनेगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर ज़ीरो, ये बनेगी, और फिर लिमिट अप्लाई हो जाएगी डी थीटा इंटीग्रेशन सॉरी। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब ये क्या आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो होता है जीरो, और ये हो जाएगा e की पावर जीरो हो जाएगा वन, तो ये माइनस का वन बनेगा यहाँ पे, तो माइनस के वन को हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो ये वापस से प्लस का बन जाएगा, और फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू, तो ये बना जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ पे सिर्फ बचा डी थीटा। डी थीटा का थीटा होता है इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो टू और थीटा और जीरो से पाई बाई टू, तो लिमिट टू इंटू पाई बाई टू, माइनस जीरो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये आंसर आया यहाँ पे पाई। ये आंसर किसका आया, गामा वन बाई टू के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है पाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज गामा वन बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट का पाई, तो ये इसका प्रूफ है, ये लास्ट आंसर आ गया इसका। यही हमको शो करना था कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कि वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए, या फिर इसका हमको प्रूफ पूछा जाए कि गामा प्रूफ कीजिए, गामा वन बाई टू इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो ये प्रोसेस लगाना है, एक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना है, पॉलर में चेंज करना है, और इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, और इंटीग्रेशन करके और ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पाई। बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ये प्रूफ करने के लिए भी, और क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें गामा वन बाई टू नहीं आए, कि शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, अदरवाइज 99% जितने भी गामा के क्वेश्चंस हैं सब में गामा वन बाई टू यूज़ होता है, तो उसको याद, क्योंकि ये मान हमारे बार बार काम आएगा, इसलिए पहले हमने इसका प्रूफ पढ़ा है, और अब इसके जो और एक दो रिज़ल्ट हैं और जो इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे इसके साथ कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगे आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।